समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद अचानक मेदांता अस्पताल गुरुग्राम के आईसीयू में एडमिट किया गया है। मुलायम सिंह यादव को सांस लेने में दिक्कत के बाद मेदांता अस्पताल में रखा गया है, जहां पर मेदांता अस्पताल के तमाम डॉक्टर्स उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। मुलायम के इलाज के लिए 4 डॉक्टरों का एक पैनल भी गठित किया गया है, जो लगातार उनकी सेहत की जाँच कर रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद यूपी सरकार भी अलर्ट पर आ गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बृजेश पाठक ने मेदांता अस्पताल की मेडिकल टीम से बातचीत की है। बृजेश पाठक ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने खुद मेदांता समूह के चेयरमैन नरेश त्रेहन से मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट ली है और ये विश्वास दिलाया है कि अगर यूपी सरकार की ओर से किसी मदद की जरूरत होगी तो वो तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव रविवार को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली पहुंच गए। सभी मेदांता अस्पताल में मौजूद हैं और मुलायम की सेहत पर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कानपुर हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कोरथा गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। सीएम योगी प्रशासनिक अफसरों और सरकार के मंत्रियों को लेकर पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे और यहां पर उन लोगों से मुलाकात की जिनके परिवार के लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है। सीएम ने सभी को सांत्वना दी और ये विश्वास दिलाया कि जो भी लोग घायल हैं उनका इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी लोग इस हादसे में हताहत हुए हैं उनको लेकर भी प्रदेश सरकार गंभीर है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने रविवार को एक बड़ा बयान देते हुए 2024 में भी एनडीए गठबंधन के साथ रहने की बात कही है। बाराबंकी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे अनुप्रिया ने कहा है कि वो बीजेपी गठबंधन के साथ 4 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी हैं और 2024 में भी मोदी सरकार बनाने के लिए बीजेपी के गठबंधन का हिस्सा रहेंगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों के दौरान अपने पार्टी के प्रत्याशियों को उतारने की बात कही है। संजय सिंह पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। सिंह ने कहा है कि हम नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी माइक्रो लेवल पर अपना संगठन बना रही है। वार्ड स्तर पर उनकी कमेटियां बना दी गई हैं और बूथ कमेटियां भी कई जगहों पर बन गई हैं। इसके अलावा कई जिलों में मोहल्ला प्रभारी बनाने का काम किया जा रहा है। 30 घरों से ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाने का लक्ष्य रखा गया है और बीजेपी की तर्ज पर ही प्रदेश का संगठन मजबूत किया जा रहा है।